या ये की फ्लाइट 404। 32 साल बीत गए लेकिन आज भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची। गिलगित से रवाना होने वाली इस परवाज को आसमान खा गया या जमीन। अमले के 54 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 तो बच्चे भी थे। इसके बारे में कभी मालूम ना हो सका कि इसके साथ क्या हुआ। हुकाम ने त्यारे के मलबे को ढूंढने की तवील मगर नाकाम कोशिश की। इस वक्त के अखबारात में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक PIA के तर्जमान ने बताया था कि पाकिस्तान के हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में कम अज़ कम 700 अफराद ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। कई दिन तक मकामी लोग भी तलाश करते रहे थे। पाक आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। सर्च ऑपरेशन का काम ज़्यादातर दुश्वार तरीन पहाड़ी सिलसिले नागा पर्वत के इर्द गिर्द और नागा पर्वत ही के ग्लेशियर पर किया गया था, क्योंकि आखिरी बार 2 बरतानवी मुहिमजुओं ने बताया था कि हमने नागा पर्वत पर इंतहाई निचली परवाज करते हुए एक त्यारे को देखा था। इस त्यारे की तलाश मुसाफरों के ख़ानदानों ने ज़ाती तौर पर भी कई साल तक जारी रखी थी। इन्हीं में एक अब्दुलरज़ाक भी थे। इसी त्यारे में एडवोकेट अब्दुलरज़ाक की बेटी और उनके ख़ानदान वाले भी सवार थे। इन्होंने ज़ाती तौर पर त्यारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इनकी तलाश इनकी मौत तक ही जारी रही, मगर अफसोस अब्दुलरज़ाक अपनों को कभी तलाश न कर पाए और दोबारा न मिल पाए। 25 अगस्त 1989। आखिरी वक्त में कंट्रोल रूम से जो पायलट ने रब्ता किया था वो मामूल के मुताबिक था। उन्होंने किसी किस्म की कोई परेशानी का इजहार नहीं किया था। इस एक रब्ते के बाद हैरानकुन तौर पर दोबारा कोई इन्फॉर्म ना किया गया कंट्रोल टावर को। ना मलबा मिला, ना लाशें और ना ही ब्लैक बॉक्स। पता चल जाता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। मकामी लोगों ने और बदकिस्मत त्यारे के मुसाफरों के ख़ानदानों ने यह महसूस किया था कि हुकाम और तहकीकी कमेटी का रवैया कुछ ज़्यादा बेहतर न था। वो किसी किस्म की भी मालूमात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, जैसे कि उन्हें आगाह किया गया था कि इस दिन रियल पायलट की बजाय तफरी पर आए हुए एक पायलट ने उड़ान भरी थी। इन ख़ानदानों को बस इतना ही कहा गया था कि जल्द ही तहकीकती रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई जाएगी। कुछ अर्सा पहले जब सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिस से BBC के एक नुमाइंदे ने रब्ता किया तो उन्हें कहा गया कि ये बहुत पुराना केस है और इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अफसोस तहकीकाती कमेटी की ये रिपोर्ट कभी मंजरेआम पर लाही न जा सकी और ना ही आज इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। आखिरकार इन तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। आज 32 साल गुजर चुके हैं, आज भी जहनों में ये सवाल आता है कि इन मुसाफरों पे और इस त्यारे पे क्या बीती होगी, क्या हुआ होगा उनके साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।